पर अगर आपके पास भी सैमसंग टैब P3100, सैमसंग टैब 2, 7.0, 2, 10.1, 10.0 मॉडल का टैब है और उसमें कीबोर्ड शो नहीं हो रहा है, कीबोर्ड नॉट वर्किंग प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर, आपको बताते हैं आपको कौन कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है इस टैब का जो कीबोर्ड नॉट वर्किंग प्रॉब्लम है या फिर कीबोर्ड शो नहीं हो रहा है इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। गाइस सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा, जैसे कि अभी ये 5.10 का वर्जन है तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ वर्जन के ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ क्लिक करना है, ऐड आएगा, ऐड को कट करना है। स्लो करके आप वीडियो को देख सकते हैं, मैं क्लिक कर रहा हूँ जहाँ पर आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा, आपको नीचे जाना है और आपको अपना जो भी आपका टैब का वर्जन है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है, यानी इसके ऊपर टैप कर लेना है। जैसा कि मेरा यहाँ 4.0 है तो आपको सिंपल उस वर्जन के ऊपर एक बार टैप करना है। आपका जो भी वर्जन है, आप बहुत सारे हैं जितने भी जो है आपके टैप के हिसाब से सपोर्ट कर जाएंगे। उसके बाद आपको सिंपल सा अपने वर्जन के ऊपर टैप कर लेना है। उसके बाद आपको डाउनलोड APK का जो ऑप्शन आ रहा है उसके ऊपर टैप करना है। डाउनलोड APK के ऊपर टैप करने के बाद आपको डाउनलोड का एक परमिशन मांगा जाएगा, डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको इसे अपने ब्लूटूथ के जरिए टैप को शेयर कर लेना है। टैप को शेयर करने के बाद उसके अंदर आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके लैंग्वेज इनपुट में जाकर आपको यहाँ सिंपल कीवर्ड को सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपका काम हो जाएगा।